व्हाट्सएप वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज के वीडियो में हम करने वाले बहुत ही एकदम खराब लेवल वाले ऑफरोडिंग, मतलब कि एकदम एक्सट्रीम लेवल वाले ऑफरोडिंग। तो हम इस बाइक से करने वाले पल्सर N160। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, बहुत मजा आने वाला है, एकदम करेंगे। हमारा पहले वीडियो आ चुका लेकिन वो थोड़ी मतलब नॉर्मल थे, लेकिन आज हम करने वाले बहुत ही भयानक लेवल वाले, एकदम ऊपर के लेवल वाले, यहाँ से लेकर हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 2 3 नीचे का मिला ना, देखना मुश्किल हो रही है, क्योंकि रोड मतलब देख सकते हैं बाइक के लिए नहीं बने हैं, ये बने हुए हैं जेसीबी और ट्रैक्टर के लिए खास करके। तो ये हो गई पार, हम आगे चलते हैं। तो आगे आपसे मिलते हैं, बात करते हैं। नॉर्मल वो वाला साइड करो ना, रहना तो कोई बात नहीं।
गाइस तो आप देख सकते हैं कि अभी कितने भयानक डूब गए थे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे इतना गड्ढा, मैं भी मतलब मेरा एकदम मन एकदम पूरा, हम तो सोचे कि आज एकदम गया बाइक जानू में, लेकिन फाइनली पार हो गए, क्रॉस कर गए। लेकिन इसके बाद क्या कोई दिक्कत आती है पता नहीं, अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम वीडियो आपको बना के जरूर से बताएंगे। तो हम क्रॉस कर चुके हैं, पता नहीं शायद हम अगर साइड से पार करते तो हमें इस प्रकार की हमें मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती, लेकिन पूरी बैग डूब गई थी। यहाँ तक आप सोच सकते हो कि पूरी बैग डूब गई थी, बस हमारा ये पिछवाड़ा नहीं डूबा, बाकी पूरा चीज़ डूब गया था तो हम बच गए। यहाँ तक आप देख सकते हैं पूरा, हम तो सोचा आज बाइक गई अब बंद नहीं होगी, बाइक का आपको तारीफ करनी ही होगी क्योंकि बाइक कहीं भी बंद नहीं हुई, एकदम फाइनली आराम से निकल गई एकदम चीरते हुए पानी को। लेकिन इसके बाद क्या नुकसान होने वाली है मेरे को पता नहीं, क्या हमें कितना का चुना लगा या कुछ, लेकिन अभी तो सही से स्टार्ट हो रही है। मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ एक बार, दिक्कत नहीं है। और अभी यहाँ पे मैं इसलिए लगाया हूँ ऊंचाई पे ताकि अगर पानी उन्हें कहीं चली गई होगी तो पानी निकल जाएगी ढलान की वजह से। तो बस आपको वीडियो कैसे लगे प्लीज लाइक कीजिएगा, आपके लिए हम इतना रिस्क ले रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा हर N160 ओनर के पास कीजिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कमिंग सून, जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हाँ, चैन वाली वीडियो आने वाली है क्योंकि हम चैन बनाने वाले हैं, जो खट से आवाज आती है वो एकदम पूरे सॉल्यूशन उसकी मिलने वाली है जल्द ही, हमने मैकेनिक साहब से बात किया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।